हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने वाले हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज के बारे में। और पहले प्रॉपर्टी होती है लिनियरिटी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उनके साथ एग्जांपल भी देखते चलेंगे, ठीक है। मैं कवर करने वाला हूँ उनका प्रूफ नहीं कवर करने वाला, मैं करने वाला हूँ प्रॉपर्टी क्या होती है वो, ठीक है, उसके साथ विद एग्जाम्पल। ताकि पढ़ते क्या, हम पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं एक साथ, फिर उन्हें लगाना किस क्वेश्चन में लगाना दिक्कत होती है, तो यहाँ से एक आइडिया होता चलेगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल लेता चलूंगा हर प्रॉपर्टी के साथ। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई सिग्नल है मेरा एक्स टी मेरा कोई सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ ओमेगा, देन क्या होता है, अगर मैं एक्स टी को, या मेरे पास बहुत सारे सिग्नल हैं, ठीक है, मेरे साथ बहुत सारे सिग्नल हैं और उनके साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, जैसे अल्फा, अल्फा की मल्टीप्लाई पहले वाले सिग्नल में हुई है, प्लस ये पहला सिग्नल है अल्फा एक्स एक्स वन टी, दूसरा सिग्नल है अल्फा एक्स टू टी, तो उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसे ही, अगला गामा कुछ भी, अल्फा बीटा चाहे कॉन्स्टेंट मान लो, ए बी सी डी जो भी मन करे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या एक कॉन्स्टेंट है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ये कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो एक्स वन टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, एक्स वन ऑफ ओमेगा प्लस, कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं, एक्स टू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स टू ऑफ ओमेगा। तो कहने मतलब क्या है, अगर बहुत सारे हमारे पास सिग्नल गिवन है, हम क्या कर सकते हैं, सबका एक इंडिविजुअली फाइंड करके क्या कर सकते हैं, उनको ऐड कर देंगे, वही उन पूरे सिस्टम का क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट करेगा। फिलहाल देखो इसको समझते हैं, यहाँ पे क्या है, वहां पे जब प्रॉपर्टी लिखते हैं तो अल्फा बीटा क्या है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कोई मेरे पास सिग्नल है एक्स टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए मोड ऑफ टी, ठीक है, मेरे पास ये सिग्नल है, तो मुझे इसका क्या करना, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। अब देखो मुझे इसमें लीनियरिटी में कैसे यूज करता हूँ, हमें पता, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ई की पावर माइनस ए टी को, अगर मैं इसको, अगर इसको ओपन करना चाहूँ तो ये किस टाइप से दिखेगा, इसकी वैल्यू जब टी से बड़ी होगी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, तो ये क्या हो जाएगा, टी प्लस ही रहेगा अंदर, ठीक है, मोड फंक्शन की डेफिनेशन पता ही है, e की पावर ए टी रहेगा, जब टी जीरो से छोटा होगा तो टी की जगह क्या बन जाएगा अंदर, माइनस टी, तो यानी ये कितना कैसा दिखेगा, e की पावर माइनस ए माइनस का टी, तो यानी ये क्या बन जाएगा अगेन, e की पावर टी। तो यहाँ पे देखो सिग्नल दो हिस्सों में टूट सका, तीन भी बन सकते हैं, चार भी, अगर ये जरूरी नहीं एक केवन है, अलग अलग करके गिवन हो सकते हैं फंक्शन, ठीक है। तो मेरे पास, मैं पहले वाले सिग्नल को ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वन टी को, देखो यहाँ पे एक्स वन टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो कि ये मेरा एक्स वन टी क्या है, ई की पावर ए टी यू टी ग्रेटर देन जीरो, तो यू टी लिख लिया मैंने, और एक्स टी टू को मैं क्या लिख लूंगा, सेकेंड वाले सिग्नल को e की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, ठीक है, क्योंकि लेस देन जीरो है तो माइनस टी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मेरा सिग्नल जो दो हिस्सों में टूट चुका है, एक्स टी बराबर क्या है मेरा, एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी, ठीक है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स एस टी का कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा, क्या हो जाएगा ये, एक्स ऑफ ओमेगा, दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। पहले यहां पे लिखो स्टेटमेंट, टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे एक्स टी क्या बन जाएगा, एक्स टी बन जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स वन टी क्या बन जाएगा, एक्स वन ऑफ ओमेगा, और ये कितना बन जाएगा, एक्स टू ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, बस मुझे एक्स वन ओमेगा चाहिए, एक्स टू ओमेगा चाहिए, मेरे पास एक्स वन है एक्स टू है, तो ई की पावर माइनस ए टी यू टी का जो होता है पहला जो हमें दे रखा है यहाँ पे,
जो एक्स वन टी है मेरा कितना है वो e की पावर माइनस ए टी यू टी, जो सबसे पहले सेकंड वीडियो तो मैंने उसी में से स्टार्ट किया था ये। तो इसका एक्स वन ऑफ ओमेगा यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, क्या था e की पावर माइनस ए टी यू टी का, वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा, ठीक है। ये सेकंड वीडियो में शायद मैंने कराया था, ठीक है। उसी वीडियो में मैंने क्या दिया था, e की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी का मैंने क्या दिया था, होमवर्क दिया था सबने उसका क्या होगा, ठीक है। तो इसका एक्स टू टी है हमारा e की पावर ए टी, मैंने कहा था उस वाले को मैं यूज करूंगा कहीं ना कहीं, देखो मैंने यहाँ पे यूज किया। तो इसका और कितना हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका निकाला होगा आपने, तो कितना हो जाएगा वन अपॉन ए माइनस जे ओमेगा, ये आया होगा, ठीक है। ये इसका होता है e की पावर ए टी यू माइनस टी का कितना होता है, वन अपॉन ए माइनस जे ओमेगा, ठीक है। तो अब क्या करूँ मैं, एक्स वन ओमेगा प्लस एक्स टू ओमेगा, जब तो मुझे एक्स ऑफ ओमेगा मिलेगा, तो मेरा एक्स ऑफ ओमेगा क्या आ गया, एक्स वन ओमेगा आया मेरा वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा प्लस ये कितना आया मेरा ए माइनस जे ओमेगा, ठीक है। अब मैं क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, ठीक है, सिंप्लीफाई हो सकता है ये, एलसीएम क्या आ जाएगा ए प्लस जे ओमेगा ए माइनस जे ओमेगा, तो एलसीएम लिया तो इस वाले लेफ्ट में आ जाएगा ये ए प्लस सॉरी ए माइनस जे ओमेगा प्लस ए प्लस जे ओमेगा की वन से करेंगे तो सेम ही आएगा ए प्लस जे ओमेगा। अगर नीचे देखो तो ये फॉर्मूला बनना, नीचे क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या आ गया एक्स ऑफ ओमेगा, ऊपर तो ये कैंसिल हो गए, ये हो गया ए और ए टू ए हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस जे ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है प्रॉपर्टी के हिसाब से। और यहाँ पे ध्यान से देखो इसको, ये क्या लिख लूंगा मैं टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जे स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा टू ए ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सॉरी जे स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये कितना बन जाएगा टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, जो e की पावर माइनस मोड एक्स टी क्या था, e की पावर माइनस ए मोड ऑफ टी का जो होता है टू ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला रिजल्ट, e की पावर माइनस ए मोड ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमें क्या मिला है टू ए अपॉन पहले ओमेगा लिख लो, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमें करने को जब हम करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब एक प्रॉपर्टी आएगी ड्यूलिटी वहां पे इसको यूज होगा काफी, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल इसका फॉर्मूला याद रखना, e की पावर माइनस ए मोड ऑफ टी का जो आंसर आता है वो टू ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी भी यूज कर ली और हमें एक अच्छा सा फॉर्मूला मिल गया। देखो प्रॉपर्टीज के चक्कर में हम क्या करते जा रहे हैं, फॉर्मूले भी कवर करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं अलग से हमें कुछ उनका प्रूफ करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।